दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि वो जल्दी अपनी अगली फिल्म सीता दी इनकार्नेशन में सीता के कैरेक्टर निभाते हुए दिखाई देंगी। इन दिनों रामायण की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स में होड़ मची हुई है। दरअसल साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष रामायण की कहानी दिखाने वाली है। प्रभास की फिल्म में कृति सैनन ने हाल ही में एंट्री की है। इस फिल्म में वो सीता के रोल में दिखाई देंगी। वहीं मधु मेहताना की रामायण फिल्म में दीपिका पादुकोण सीता के रोल में नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि कुछ समय पहले अलौकिक देसाई ने अपनी अगली फिल्म सीता दी इनकार्नेशन का ऐलान किया था। अपनी इस फिल्म को लेकर वो सीता के कैरेक्टर के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म में सीता का कैरेक्टर करीना कपूर खान निभा सकती हैं। अभी तक इसकी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान अलौकिक ने बताया था कि ऐसा लगता है कि करीना सीता के कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट होंगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो ये कहानी एक्ट्रेस को पसंद भी आई है और आदि पुरुष और रामायण 3D में जहां पुरुष ही किरदार को लीड रोल निभाता नजर आएगा, वैसा इसमें नहीं है। इस फिल्म में उन्हें ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा। करीना की टीम इस वक्त उनकी फेस और डेट्स को लेकर बातचीत कर रही है। वेल, आपको क्या लगता है कि करीना कपूर खान या फिर कोई और एक्ट्रेस? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच।